कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए क्षेत्राधिकारी बांसगांव नितेश सिंह ने सर्किल के सभी थाना अध्यक्षों को सख्ती से निपटने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही आम जनमानस से पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। इस संबंध में सीओ बांसगांव नितेश सिंह ने बताया कि लॉकडाउन का पालन कराने के लिए बेलीपार थाना क्षेत्र में 3 जगह बैरिकेटिंग की गई है, जहां पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है और उनके नाम और नंबर प्लेट भी नोट किए जा रहे हैं। सीओ बांसगांव नितेश सिंह ने कहा कि सड़कों पर अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों के गाड़ियों के चालान भी काटे जा रहे हैं और साथ ही 188 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर चेतावनी भी दी जा रही है। अनावश्यक रूप से अपने घर से ना निकलें, अपने घरों में ही रहें, लॉकडाउन का पालन करें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। इस दौरान लॉकडाउन का पालन कराने में एसआई लालचंद वर्मा, सुधीर कुमार, कांस्टेबल सुनील यादव, मुनसफ अली, राजकुमार, रोहित, कार्तिक, महिला कांस्टेबल प्रीति यादव, रंजना कुमारी, पूजा शुक्ला सहित अन्य ड्यूटी पर मुस्तैद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ बांसगांव नितेश सिंह ने कहा, इसके नाम का चल कर दिया हो गया शीशम देवी अट्ठाईस हजार कहाँ जा रहा है मेरा नाम ओम प्रकाश मेरे पिता का नाम है सर मेरे के हैं और नहीं निवासी यूपी 53 एपी 0261 मोबाइल नंबर बोलिए क्या करने गए थे नोट करा दीजिए ज्यादा दिन का सर ज्यादा दिन का है तो जब जब आपने पत्रकारिता छोड़ दिया उसको साफ करिए सर सब पहले ही बता दें क्या नहीं है किस चीज की बच्चे का यहाँ एंट्री कराए हैं मुगल सर है मोबाइल नंबर बोलिए 76 मुगल सर से कहाँ जाना है मोहरीपुर कहाँ से आ रहे हैं गाड़ी नंबर 16 UP 54 16 लॉकडाउन के पालन कराने के लिए हमारे यहाँ पर 3 जगह हमारे जो है प्रमुख रूप से थाना क्षेत्र बेलीपार में
बैरियर लगा रखे हैं, दो परमानेंट पॉइंट्स पे, फर्स्ट एंट्री पॉइंट जो है क्या कहते हैं बगावीर बाबा पे है, एक यहाँ मरवड़िया कुआं पे जहाँ हर व्हीकल को चेक किया जा रहा है, जो जा रहा है उसकी नोट होती है, एक वो है शेष बेली पार में और यहाँ पर महावीर छपरा में अपनी जो चेकिंग है, जो भी एग्जिट के जो बाइफरकेटेड रोड्स है उसमें उनको यहाँ पुलिस ड्यूटी लगी हुई है, ताकि सब लोगों को जो है बेकार बेबी वजह में कोई ऐसे ना घूमे, और ज़रूरत है तो जैसे खेती किसानी के संबंध से लेके है वो अपने उस पर कार्रवाई चलती रहे। हाँ, अनावश्यक रूप से घूमने वाले पर कार्रवाई की जा रही है लगातार, चालान और शेष 188 में जो है रिपोर्ट दायर की जा रही है, चेतावनी भी दी जा रही है, लोगों को समझाया भी जा रहा है, जो जिस तरीके से गलत रूप से पाया जा रहा है वैसा उस पर एक्शन लिया जा रहा है। बिल्कुल सहयोग करें, अपने देश की बात है, सबकी बात है और हम सब इसमें हैं, कोई ऐसा नहीं पुलिस एक एजेंसी है और जो जिसमें घर भी एक एजेंसी है, अगर घर एक घर संभलेगा तो बहुत घर संभलेंगे, सारे घर संभलेंगे, पूरी कम्युनिटी संभलेगी, तो सभी को उसमें सहयोग करना है, कोई किसी की ऐसा नहीं किसी और की जिम्मेदारी है, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा।